والصلاة والسلام على رسوله الكريم. अल्लाह जल्ला शानों का फजल है, उसका करम है कि उसने हमें दीन की बात सुनने समझने की तौफीक अता फरमाई। इसके ऊपर अल्लाह जल्ला शानों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह जल्ला शानों का शुक्र दो तरह से है, एक तो शुक्र ये है कि हम दिल की गहराई के साथ उसकी नेमतों का इकरार करें और उसकी तारीफ करें, उसकी नेमतों के ऊपर अल्लाह जल्ला शानों का शुक्र अदा करें। और दूसरा शुक्र अल्लाह जल्ला शानों ने जो नेमतें अता की हैं उन नेमतों को अल्लाह जल्ला शानों की मर्जी के मुताबिक हम इस्तेमाल में लेकर आए और इस्तेमाल करके नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक उन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह जल्ला शानों को वो नेमतें सही मानों में इस्तेमाल करके दिखा दें और उनका हक अदा करें। एक शुक्र ये है। आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम है और इस मौजू में दर हकीकत हम तौबा का मुराकबा कैसे है, तौबा क्या है, इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे और तौबा का मुराकबा किस तरह से किया जा सकता है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी सवाल जवाब की नशिस्त भी होगी जो कि हज़रत मनबूत के हवाले से सवालात हैं, जवाबात हैं। तौबा एक इंतहाई अहम जुज है हमारी जिंदगी के अंदर, जो हमारे ऊपर बोझ को खत्म कर देता है और इसके खत्म होने की वजह से इंसान हल्का फुल्का होता है, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे पुख्तगी आती है, रूहानी तौर पे मजबूत होता है। अल्लाह जल्ला शानू का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युन्नास तूबू इलल्लाह, यानी ए लोगो अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। तौबा की हकीकत क्या है, तौबा है क्या? खताओं को याद करके दिल का दुखी हो जाना और इसके लिए लाजिम है कि इंसान गुनाह को तर्क कर दे और आइंदा पुख्ता इरादा करे कि अब नहीं करेगा और ख्वाहिश के वक्त नफ्स को रोके रखे, ये तौबा कहलाता है। यानी तौबा के मायनी रजू करने के और बाद से आइंदा ना करने का इरादा और अजम करना है, ये दर हकीकत तौबा है। तौबा की इब्तदा तो ये है कि दिल पर नूरे मार्फत की शुआएं फैल जाती हैं और दिल को उस मज़मून की आगाही हासिल हो जाती है कि गुनाह एक ऐसा जहर कातिल है और ऐसी तबाह कर देने वाली शय है जिसका नुकसान, उसका अजाला करना, उस नुकसान का अजाला करना मुश्किल होता है और फिर इस गुनाह को गुनाह समझते हुए दिल को मज़मून की आगाही हासिल हो जाए, दिल को ये शऊर पैदा हो जाए कि ये बहुत नुकसान देने वाली शय है और इस वजह से दिल के अंदर खौफ और निदामत पैदा होके गुनाह की तलाफी की तरफ इंसान मुतवज्जे हो जाए
और इसे फौरन छोड़ दे और गुनाह से परहेज करने लगे। ये दर हकीकत जो है वो तोबा है और यही कैफियत दिल में पैदा होनी चाहिए। यानी इंसान से खता हो, गलती हो, तो उस खता और गलती के नुकसान को समझते हुए दिल के अंदर जो खौफ और निदामत की कैफियत पैदा होगी, उस खौफ और निदामत की कैफियत का पैदा होना और फिर गुनाह से परहेज होना, ये दर हकीकत तौबा है। इस बात को समझ लेना, इसको जान लेना ये जरूरी है। और इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि तौबा हर शख्स पर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानू तमाम मुसलमानों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो अल्लाह ताला की तरफ खालिस तौबा करो। क्योंकि तौबा की हकीकत यही है कि गुनाहों को उखरवी जिंदगी के लिए सिम्मे कातिल और मोहलक समझे और इसको छोड़ने का अजम करे, और ये कैफियत पैदा होना ये ईमान का जुज है, इसलिए हर मोमिन पर इसका वाजिब और जरूरी होना तो जाहिर है। अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा ये है कि जब इंसान ज्यादती यानी गुनाह करे और करने के बाद तौबा करे और आइंदा के लिए अमाल की दुरुस्ती रखे, तमाम बुराइयों को छोड़ दे, शरीयत के मुताबिक काम करे और अपनी तौबा पर कायम रहे, तो बेशक अल्लाह ताला इसके हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमाएंगे और तौबा से पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे और मुझसे मगफिरत चाहेंगे तो मैं इनको बख्श दूंगा और गुनाहों की कसरत की परवाह ना करूंगा। और एक हदीस में आता है, यानी गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसा वो शख्स जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं हर रोज 70 दफा इस्तिग़फ़ार करता हूं, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम का गुनाहों से पाक होना एक मुसल्लम हकीकत है। यानी ऐसा नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो गुनाहगार होते हो या गुनाह की तरफ मायल होते हो, वो गुनाहों से पाक हैं। फिर भी आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं, और यही हालत हमने देखा अंबिया अलैहिस्सलाम और काबिरीन की हालत है। तो फिर हम किस खाते में हैं, किस दर्जे में हैं कि हम गुनाह के ऊपर तौबा ना करें? तो लिहाजा तौबा की अहमियत को समझना चाहिए और इस नुक्ते को समझना चाहिए कि तौबा हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, हर मुसलमान को तौबा का एहतमाम करना चाहिए। अब तौबा करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। गुज़िश्ता गुनाहों के ऊपर नदामत हो और इंसान माज़रत करे और जो हकूकुल इबाद वाजिबुल अदा हैं, फिलहाल इनके अदा करने का अज़म करे और फिर इनके अदा करने का एहतमाम करे कि अहले हकूक से साफ कराए। ये पहला तरीका है तौबा का। क्या तरीका है? अपने गुनाहों के ऊपर नदामत करे, माजरत करे और जो हकूकुल इबाद वाजिबुल अदा है उन्हें अदा करने का अजम करे और फिर इनके अदा करने का एहतमाम करे, और या फिर जो अहले हकूक हैं उनसे अपना मामला साफ करे।
अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का माल जाया किया है, किसी से पैसे आपने मारे हैं, तो आप उसको उसका हक दे दें। आपके जिम्मे किसी की अमानत थी तो आप उसकी अमानत उसको लौटाएं। दूसरा काम आपने क्या करना है, अगर आपने किसी के लिए बदगुमानी पैदा की, आपने गीबत की, आपने किसी को बुरा भला कहा, आपने किसी के साथ बिला वजह बदकलामी की, बद अखलाकी की, तो आप उसके साथ माजरत करें, अपना मामला उसके मामले में साफ करें। ये पहला मरहला है तोबा करने का, तोबा का तरीका इख्तियार करने का। दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे गुनाहों के ऊपर, अगर आपसे कोई गुनाह सादिर हो जाए तो 2 रकत नफिल तोबा की नियत से पढ़ें और जुबान से और दिल से तोबा करें, हत्ता के रोने की शक्ल बनाएं अगर रोना ना आता हो, यानी कि जब कोई गलती और खता हो जाए तो फिर क्या करें, उस गलती खता के ऊपर अल्लाह जल्ला शानू से रो के गिरगिरा के माफी मांगे और तोबा के नफिल पढ़ें, इस बात का एहतमाम करें। तीसरा काम क्या करना है, अपने गुनाहों को सामने रखते हुए, उनको याद करते हुए जी भर के तोबा करें, लेकिन इस बात को ये जहन में रखें कि अपने गुनाहों को बार बार याद ही ना करता रहे। फला वक्त में मुझसे ये गलती हुई थी, फला वक्त में ये गलती हुई थी, यानी कि अपने गुनाहों को सामने रखे और एहतमाम के साथ गुनाह को सामने रखते हुए तोबा करे, लेकिन गुनाहों को याद ही ना करता रहे। इसकी 2 वजह हैं, एक तो ये कि बंदे और रब के दरमियान में एक हिजाब होता है, बस इंसान अपने गुनाह पे नादिम हो और अपनी गलती के ऊपर तोबा इस्तिगफार कर ले। लेकिन जो लोग अपने गुनाहों को याद ही करते रहते हैं, अपने गुनाहों को सुनाते रहते हैं, अपने गुनाहों को बार बार तस्कर करते रहते हैं, तो अल्लाह जल्ला शानु ने जो गुनाह आपके छुपा रखे हैं आप उनका इजहार खुद करते हैं, ये ना करें। तो ये अल्लाह के साथ मोहब्बत के लिए माने है, इसका असर जय दिल के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता, लिहाजा गुनाह को सामने रखते हुए तोबा करना, लेकिन अपने गुनाह को याद ही करते रहना हर वक्त ये ठीक अमल नहीं होगा, लेकिन अपने गुनाह को याद करते हुए उस पे तोबा और इस्तिगफार करना ये एक अच्छा अमल होगा। इस अंदाज में इसको करें और फिर आइंदा गुनाह ना करने के लिए तजदीद भी करें। इस्तिगफार और तोबा के वक्त, इस्तिगफार और तोबा के वक्त गुनाह के तज़किरे और इस्तेहज़ार में एक किस्म का तवस्सुत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर गुनाह की पूरी पूरी फहरिस्त पढ़ना शुरू करें और फिर आप जाके तोबा करें, यानी हर गुनाह का नाम लेना जरूरी नहीं है। इसीलिए तो हमें वो 5वें कलमे में जिसमें जिसको सैयदुल इस्तिगफार कहा जाता है, उसमें आपको ये अल्फाज मिलते हैं, गुनाहों से भी तोबा करता हूं जिसको आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, और उन गुनाहों से भी तोबा करता हूं जिनको मैं नहीं जानता, उन गुनाहों से भी तोबा करता हूं जो मैं जानता हूं, और वो तमाम गुनाह जो आपको याद आए या ना आए, आपके जहन में हो या ना हो, उन तमाम गुनाहों के ऊपर आप इस अंदाज में इस्तिगफार कर लें, तो इस अंदाज में इस्तिगफार जो है वो हो जाता है, इस्तिगफार किया जाए। जरूरी नहीं है कि हम अपने गुनाहों को याद रख के और बाकायदा करके वक्त जाया करें। तो अलबत्ता हम अपनी जात से उन तमाम गुनाहों को, जो हमसे गलतियां खताएं हुई, उनको जहन में लाते हुए उन गुनाहों के ऊपर इस्तिगफार करें। अगर कोई मासियत
कोई गुनाह याद आ जाए तो फिर एहतमाम के साथ उसके ऊपर तोबा और इस्तिग़फ़ार कर लें और हक ताला की नाराज़गी का ख्याल दिल में आ जाए और फिर उसके ऊपर आइंदा ना करने का अज़्म हो तो इस अंदाज में हम तोबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो गुनाह हो और वो याद आ जाए और इससे दिल में सोजिश और दिल में खौफ और दुख पैदा हो, दर हकीकत यही तोबा है और इसी अंदाज में हमें तोबा को करना भी चाहिए। तो तोबा के हवाले से कि हमारे अंदर इस्तेहजार पैदा हो जाए गुनाह के वक्त में, गुनाह को देख के हमें अपना रब याद आ जाए और हम सच्चे दिल और सिद्के दिल से तोबा करने वाले बन जाए, तो उसके लिए हमें ये चार काम करने हैं। पहला काम, हकुकुल इबाद के एतबार से जो हमसे गलतियां और खताएं हैं, उन गलतियों खताओं को हमने क्या करना है, उन गलतियों खताओं को, उन हकुकुल इबाद की अदायगी करके हमने उन गलतियों और खताओं को साफ करना है। हमने अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ बदअखलाकी की, हमने अपना मामला उनके साथ साफ करना है, उनसे डिस्कस कीजिए। और अगर आपके जिम्मे उनका कोई हक वाजिब अदा है तो वो हक उनका अदा करना है। दूसरा, जब भी गलती हो जाए तो फौरन से नेकी करनी है, फौरन से अपने आप को तोबा के नवाफिल पढ़ने, इसका एहतमाम करना और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। और तीसरा काम, हमने गुनाहों को याद करके जी भर के तोबा करनी है। और चौथा काम हमने क्या करना है, चौथा काम ये करना है कि हमने इस्तेगफार करना है और अपने गुनाहों को बार बार याद करके सिर्फ अपने आप को किसी ज़हनी परेशानी और वसवसे के अंदर मुब्तला नहीं करना, बल्कि अल्लाह से हर तरह के गुनाहों के ऊपर तोबा मांग लेनी है, तोबा कर लेनी है और आइंदा न करने का अज़म और इरादा करना है। इसके लिए मुराकबा, तोबा का मुराकबा किस तरह से किया जा सकता है, इसकी आप एक दफा तरकीब सुन लीजिए। तरकीब इसकी ये होगी कि कुछ देर के लिए हम अपने आप को यकसू करेंगे और अल्लाह जल्ला शानू की जाते आली के सामने अपने आप को रखते हुए अल्लाह का जिक्र करेंगे और दिल के अंदर अल्लाह के नाम का देहान जमाएंगे। और जब अल्लाह जल्ला शानू का देहान जमने लगेगा तो फिर हम उसके बाद अपने गुनाहों को सामने रखते हुए इस्तेहजार के साथ उन गुनाहों के ऊपर तोबा अजम इरादा करेंगे, तोबा करेंगे, अजम भी करेंगे और इरादा भी करेंगे, ताकि हम अपने उन गुनाहों के ऊपर अपने आप को बचा सकें। तो इसके लिए दुरूशी पढ़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके इसका इस्तेहजार करेंगे और इसका एहतमाम करेंगे। उस वक्त तक आंखें ना खोलें जब तक आंखें खोलने का ना कहा जाए। और इस सिलसिले में आप मेरी हदायत को साथ साथ फॉलो करते रहें। दुरूशी पढ़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सारा ध्यान सारी तवज्जो अपने सांस के ऊपर रखेंगे, अपना हाथ दिल के मकाम पर रखें, अपने सांस के ऊपर गौर कीजिए। जब जब सांस अंदर जाए ध्यान लगाइए अल्लाह, जब सांस बाहर निकले हो अल्लाहु, इस देहान के साथ कि अल्लाह जल्ला शानू के सामने है,
अल्लाह को पुकार रहे हैं, हर सांस के हैं अल्लाह। अपने सारे जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, अपने दिल पे, अपने सांस पे तवज्जो करते हुए अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह, इस ध्यान के साथ कि अल्लाह जल्ला शानू के सामने है अल्लाह 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 अल्लाह। हर शय से दिल हटा के अपने रब के सामने, अपने रब के सामने अपने आप को पेश करते हुए अल्लाह जल्ला शानू के हजूर पेश है, अल्लाह जल्ला शानू को पुकार रहे हैं। अल्लाह को पुकारते हुए उसकी रहमत को महसूस करते हुए, उसकी रहमत बहुत वसी है, वो माफ करने वाला है, उसकी रहमत उसके गुस्सा पे हावी है, वो माफी मांगने वालों को पसंद करता है। अपनी जिंदगी के पिछले अदवार में चले जाइए, उस वक्त से शुरू करते हैं जब से कुछ होश संभाला, चीजों का इदराक होने लगा, जवानी नौजवानी का इब्तदाई मरहला था, उस वक्त की अपनी जिंदगी को सामने रखते हुए जो खताएं, जो गलतियां, जो कमजोरियां, जो मासियतें नजर आती हैं उनको सामने रखते हुए दिल की गहराई के साथ अल्लाह से माफी मांगते हुए कहिए अस्तग़फिरुल्लाह। अपने वक्त को सोचते जाएं, अपनी खताओं को, कमियों को, मासियतों को सामने लाते जाएं और कहते जाइए अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। उसकी रहमत को महसूस करते हुए, उसकी मोहब्बत को लेते हुए अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह
استغفر الله 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 خوب دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے ساتھ اس عزم ارادے کے ساتھ اپنی خطاؤں کو سامنے رکھتے جائیے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے جائیے، ان تمام گناہوں سے بھی معافی مانگ لیجئے جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں تو ایک عام رواج کی بات سمجھتے ہیں، اسے کبھی گناہ میں شمار ہی نہیں کیا ہوتا، اس پہ بھی استغفار کر لیجئے. خوب دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے لیے، مسلم امہ کے لیے، پوری امت کی طرف سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کے اوپر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے غلطیاں خطائیں ہوئیں اور میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. معاشرے میں اچھی بات کو عام کرنا میرے ذمہ بھی تھا، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے، اللہ میرے جرم عظیم کو معاف فرما. نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا. دین کے اوپر خود چلنا اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے اور مجھ سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، اے اللہ مجھے معاف فرما. ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے ادیب کے جاننے والے لوگ، ان کی طرف سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرماؤ، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور کے ساتھ بھر دے. آمین آمین آمین. رفتہ رفتہ آنکھیں کھول لیجیے، ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ہمیں اس انداز میں کر لینی چاہیے. ہم اپنے رب کے ساتھ ضرور بضرور راز و نیاز کی بات کریں اور اس سے، اس کے سامنے اپنے حالات رکھتے ہوئے اس سے استغفار کریں. اور سب سے عمدہ بات یہ ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں. اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے بعد ہم سے جو حقوق العباد میں کمی رہ گئی، والدین کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، اہل و عیال کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں، شہری ہونے کے اعتبار سے معاشرے کے حق میں، اور میں جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہوں اس شعبے کی اپنی ایک خاص ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری مجھ سے ادا نہیں ہو رہی تو یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، لہذا اس کو ہم جو ہے وہ دور کریں اور ارادتاً اس کا ازالہ بھی کریں. مثلا اگر مجھ سے معاشرے کے حق میں کمی ہوئی ہے تو پھر آج ارادہ کر کے میں معاشرے کو خیر کے راستے دوں، خیر کی طرف متوجہ کروں. تو اس کی سب نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے. آپ کے وہ سوالات جو کہ